केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह पूर्वी दिल्ली के गणेश नगर में आयोजित मैं भी चौकीदार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने एयर स्ट्राइक पर सवाल पूछने वालों पर बड़ा हमला किया। राजनाथ सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग पाकिस्तान पर हुए एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते हुए मारे गए आतंकवादियों की संख्या पूछते हैं, उन्हें वह बताना चाहिए कि युद्धवीर का काम लाश गिनना नहीं बल्कि किसी वीर का काम सबों को गिराना है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के बालाकोट में किए गए एयर स्ट्राइक पर राजनीति की जा रही है। सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाने का श्रेय जब उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दिया जाता है, तो बालाकोट पर हुए एयर स्ट्राइक का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मिलना चाहिए। आरोप लगाकर इस सरकार को बराबर बदनाम करने की कोशिश की जाती है। भारत के गौरव की रक्षा के लिए, भारत के स्वाभिमान की रक्षा के लिए, जब हमारे एयरफोर्स के जवानों ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर बालाकोट में जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की है मेरे बहनों भाई, उस पर भी इनके द्वारा सवाल या निशान लगाए जा रहे हैं, उसका राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है, पूछा जा रहा है कि बताइए कितने लोग मारे गए। बहनों भाइयों, जो युद्धवीर हुआ करते हैं, युद्धवीर लाशें नहीं गिनते हैं, लाशें गिनने का काम युद्धवीर किया करते हैं, युद्धवीर कभी लाशें नहीं गिनते। गर्मी की शुरुआत होते ही पूर्वी दिल्ली की डंपिंग यार्ड में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो वहीं आज डंपिंग यार्ड के बड़े हिस्से में कई घंटों में आग लग गई। आग और धुएं के गुबार से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो दमकल विभाग की टीम आग पर काबू करने में जुटी हुई है। लोगों का कहना है कि सूचना पर दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू करने का काम तो शुरू किया है, लेकिन कोशिश नाकाफी साबित हो रही है। जयप्रदा यूपी के रामपुर में पहुंची और संभल के सपा नेता फिरोज खान को खरी खोटी सुनाई। इस मौके पर जयप्रदा ने कहा कि किसी और के कहने पर चाल चली जा रही है, आजम खान के लोग मेरे ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, तो इसलिए उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और इस तरह की साजिश रच रहे हैं और किसी और से फर्जी बयानबाजी तैयार करा रहे हैं और मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने क्लैरिटी भी दिया था, ये जो ये भी एक चाल है, क्योंकि उनके जो लोग खुद मेरे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं तो इसलिए उनको केस लग रहा है, और इस तरह का चालाकी करेंगे, इस तरह के बयानबाजी किसी और से फर्जी बनवाएंगे ताकि मुझे भी फंसाना है और मुझे इस रामपुर से भगाने की ये पूरी प्रयास हो रही है। आजम खान की चाल है, संस्कार नहीं है कि मैं इस तरह के बातें करूं। आजम खान की चाल है जो जिस तरीके से इस तरीके के मैसेज दिए गए। चलिए बधाइयों और रामपुर पे ले आए, और दोनों बड़ी अजीब गरीब चीजें हैं। जयप्रदा जी, तो मैं तो एक दिन बस में जा रहा था, तो उनका काफिला जा रहा था, जाम लगा था, तो मैंने बस में से उतर के उनको देखने की कोशिश की, और ये भी हो सकता है कि जाम खुलवाने के लिए कहीं ठुमका ना लगाते हैं, तो बड़ी अजीब अजीब सी बात है। और रामपुर में तो रामपुर की शामें बड़ी रंगीन हो जाएंगी, अब तो जब चुनावी माहौल चलेगा तो रामपुर के लोग भी बहुत माशाल्लाह अच्छे हैं, सुलझे हुए हैं, हालांकि सूझबूझ के हैं, क्योंकि रामपुर में माननीय आजम खान साहब ने इतना काम कराया है, तो वोट तो वो समाजवादी पार्टी को ही देंगे रामपुर के लोग, पूरे लोकसभा के, लेकिन अपने मजे लूटने में वो कसर इस वक्त छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि फिर उन्हें एक दफा मौका मिला है। इस बार जयप्रदा भारतीय जनता पार्टी से आजम खान के खिलाफ चुनावी मैदान में है, तो वहीं आजम खान भी समाजवादी पार्टी से जयप्रदा के खिलाफ ताल ठोक चुके हैं। आज रामपुर में दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। रामपुर की सड़कों पर भारी समर्थकों के साथ रोड शो कर अपनी ताकत का एहसास दिलाया। अब तो जनता को तय करना है कि इस बार रामपुर से जयप्रदा को चुनाव जिताती है या आजम खान को विजेता बनाती है। झांसी शहर में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक तालिबानी पिता के नाम से वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक द्वारा एक नाबालिग बच्चे को बड़ी बेरहमी से पीटा जा रहा है। ये वीडियो किसी शहर का है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं हो सकी है, लेकिन झांसी शहर में सोशल मीडिया पर लोग इसे बड़ी तेजी के साथ वायरल कर रहे हैं।